सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग के 8000 से लेकर 150000 तक के फोन्स के बारे में। सो दोस्तों, आप लोगों का जो बजट रेंज है, आप लोग उसके हिसाब से अपना बेस्ट फोन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई आप सैमसंग का ही फोन्स क्यों बता रहे हो। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि सैमसंग के फोन्स इतने अच्छे होते जा रहे हैं ना दोस्तों, जो मेन रीज़न निकल के आ जाता है वो जाता है सिक्योरिटी का। आईफोन के बाद अगर कोई सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड फोन आता है तो वो सैमसंग ही है। सैमसंग का खुद का एक नॉक सिक्योरिटी सिस्टम है। सैमसंग के फोन्स में कोई फालतू के बॉल्टवेयर नहीं होते हैं, और दोस्तों होते भी हैं तो वो इंस्टॉल हो जाते हैं। और दोस्तों, सैमसंग के एमोलेड डिस्प्ले, क्या कलर्स निकल के आ जाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि आईफोन में भी सैमसंग के ही डिस्प्ले यूज़ होते हैं। और दोस्तों, सैमसंग के फ़ोन्स में अपडेट भी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और दोस्तों, हर बजट, हर प्राइस, हर ऑप्शन, हर डिज़ाइन में आप लोगों को सैमसंग के फ़ोन्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, कुछ सैमसंग के फ़ोन्स तो परफॉर्मेंस और प्राइस में आईफोन को भी पीछे छोड़ देते हैं और टक्कर देते हैं। तो फ्रेंड, सैमसंग अपने खुद के प्रोसेसर भी बनाता है जो बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होते हैं। और दोस्तों, इसीलिए सैमसंग के फोन्स में जो 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी होती है वो आराम से 2 दिन बिना चार्जिंग के चल जाती है। दोस्तों, सैमसंग के बारे में मैं ऐसे ही बोल बोल के 15 से 20 मिनट की वीडियो बना सकता हूँ, पर दोस्तों मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता। आज हम लोग कुछ 19-20 फोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। सारे ही फोन दोस्तों मैंने यहाँ लिस्ट में लेटेस्ट सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 8000 के बारे में। सो फ्रेंड्स, उस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M04 हीलियो P35 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 4x64GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 13+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों ये पड़ेगा आप लोगों को 8999 में। दोस्तों, 8000 में एक और बेस्ट फ़ोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी F04। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ दोस्तों ये फ़ोन भी आ जाता है, पर दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों उससे कम है थोड़ी सी। दोस्तों, आप लोगों को ये पड़ेगा 8499 में। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंडर 10000 की रेंज में। दोस्तों, उस रेंज में जो हम लोगों का फर्स्ट स्मार्टफोन निकल के आ जाता है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M13 एक्जीनोस 850 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 4x64GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 50+2+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, आप लोगों को ये 10490 में पड़ जाएगा। दोस्तों, एक और फ़ोन अंडर 10000 में है दोस्तों, उस फ़ोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M13। दोस्तों, एक्जीनोस 850 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 4x64GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 50+5+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 10999 में देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, लिस्ट में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अंडर 15000 बेस्ट स्मार्टफोन की। तो दोस्तों, इस लिस्ट में आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G एक्जीनोस 850 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 4+128GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 50+5+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, आप लोगों के 13999 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, एक और फोन अंडर 15000 में है दोस्तों, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F14 एक्जीनोस 1335G प्रोसेसर के साथ में आने वाला 6x128GB का दोस्तों आप लोगों को वेरिएंट देखने को मिलेगा। 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले, 50+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों 15490 में आप लोगों को यह स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, 15000 में एक और बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आ जाता है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M14 5G एक्जीनोस 1330 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 6x128GB का आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिलेगा। 6.6 इंचेस का LCD डिस्प्ले है, 50+2+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को ये 15490 में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लिस्ट में, बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 20000 के बारे में। दोस्तों, इस लिस्ट में आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी M34 एक्जीनोस 1280 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 6x128GB का है दोस्तों ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 50+8+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है। और दोस्तों, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को ये पड़ेगा 18999। दोस्तों, 20000 में एक और बेस्ट स्मार्टफोन है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M33 एक्जीनोस 1280 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x128GB का दोस्तों ये वेरिएंट निकल के आ जाता है। 6.6 इंच का TFT डिस्प्ले है,
50+5+2+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 17599 में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 30000 में। सो दोस्तों ये निकल के आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी F50। लेटेस्ट ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है एक्जीनोस 1380 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256 GB का ये वेरियंट है। 6.7 इंच का सुपर एमुलेट प्लस डिस्प्ले 108 मेगापिक्सल में। दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा में OIS भी लगा है, 8+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 6000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 29999 में देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है सैमसंग की तरफ से। दोस्तों 30000 में एक और बेस्ट स्मार्टफोन है जिसका नाम है गैलेक्सी S20 FE। दोस्तों ये थोड़ा ओल्ड स्मार्टफोन है पर दोस्तों अभी भी इसने गदर मचाई हुई है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x128 GB का दोस्तों आप लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 12+8+12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को ये 29990 में देखने को मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं लिस्ट में 35000 अंडर बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो दोस्तों इस लिस्ट में आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी S21 FE एक्जीनोस 2100 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x128 GB का दोस्तों ये वेरियंट है। 6.4 इंचेस का डायनेमिक एमुलेट डिस्प्ले है, 12+12+8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4500 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें 34999 में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ सैमसंग गैलेक्सी A54 5G के बारे में एक्जीनोस 1380 प्रोसेसर के साथ में आने वाला 8x256 GB का ये वेरिएंट 6.4 इंचेस के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आने वाला 50+12+5 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 5000 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों 34999 में आप लोगों को ये भी स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50000 के बारे में बात करें दोस्तों गैलेक्सी S22 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 बहुत ही खतरनाक प्रोसेसर है, 8x128 GB यहाँ पर स्टोरेज है, 6.1 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, 50+12+10 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 3700 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को 4990 में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बात करते हैं लिस्ट में नंबर 70000 स्मार्टफोन के बारे में। सो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है सैमसंग गैलेक्सी S23 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, उससे भी खतरनाक प्रोसेसर, 8x128 GB का यहाँ पर वेरिएंट हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। 6.1 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, 50+12+10 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 3900 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है, 66870 दोस्तों इसकी प्राइस रेंज देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों जो बेस्ट स्मार्टफोन अंदर 70000 में एक और निकल के आ जाता है दोस्तों, उसका नाम है सैमसंग फ्लिप 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 8x256 GB का हम लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.7 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है, 12+12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 3700 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों आप लोगों के पड़ेगा 69999 में। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं अपने अल्ट्रा फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की तरफ। सो दोस्तों अगर हम लोग इसके प्राइस और परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों ये तीनों ही स्मार्टफोन आईफोन को भी टक्कर दे सकते हैं। और दोस्तों आईफोन को ही क्यों, पूरे जितने भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है सब में ही दोस्तों ये लिस्ट में भी और प्राइस में भी और परफॉर्मेंस में भी सबसे नंबर 1 पे आते हैं। मैं बात करने वाला हूँ अंडर 1 लाख बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन की। सो दोस्तों उस स्मार्टफोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी S23 Plus क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 8x512 GB का ये दोस्तों वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 6.6 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, 50+12+10 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4700 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी। और दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को ये 1,49,999 में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ मैं, बात करता हूँ अब बिल्कुल ही फ्लैगशिप लेवर आने वाले हैं, 1.5 लाख से भी दोस्तों इनकी ज़्यादा की कीमत है। तो दोस्तों एक स्मार्टफोन है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Plus Gen 1 12x512 GB का है दोस्तों वेरिएंट है। 7.6 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2x+ डिस्प्ले है, 50+12+10 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 10+4 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 4400 मिली एम्पीयर आवर की बैटरी है। और दोस्तों अगर इसके प्राइस रेंज की बात करें तो दोस्तों आईफोन को भी टक्कर देती है, 1,64,999 में दोस्तों आप लोगों को ये प्राइस रेंज देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब तो मैं लास्ट में जो फ़ोन बताने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये आप लोग भी जानते होंगे और पूरी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री जानती है कि दोस्तों इससे नंबर 1 स्मार्टफोन ना आज तक बना है ना ही बनेगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी S23 Ultra। हाँ गाइस, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 12+1 TB
हाँ दोस्तों 12+1 TB का ये दोस्तों वेरिएंट 6.8 इंचेस का डायनेमिक एमोलेड 2X डिस्प्ले है, 200 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 12+10+10 मेगापिक्सल और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। और दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 1.5 लाख से भी ऊपर जाती है, 1,54,998 रुपीज़। तो दोस्तों इस फ़ोन के बारे में मैं क्या ही बोलूं, दोस्तों इस फ़ोन पे भी मैं एक डेडिकेटेड इतनी लंबी वीडियो बना सकता हूं। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आ जाता है सैमसंग की तरफ से और पूरे एंड्रॉयड स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरफ से। तो दोस्तों बस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।